चंद्रयान 3 की लैंडिंग का यूपी के स्कूलों और मदरसों से लाइव प्रसारण किया गया। स्कूली बच्चों समेत बड़ी संख्या में आम लोगों ने चंद्रयान की लाइव लैंडिंग देखी। योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर इसरो का वीडियो शेयर करते हुए कहा, ये सफलता समूची पृथ्वी, संपूर्ण मानवता और नए आत्मनिर्भर भारत की सामर्थ्य को समर्पित है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के उतरने को लेकर देश भर में गर्व और रोमांच का माहौल है। इसे लेकर मंदिर में प्रार्थना और हवन किए जा रहे हैं। वहीं मुस्लिम समाज के लोग भी नमाज पढ़कर मिशन की सफलता के लिए दुआएं कर रहे थे। बरेली में जिले भर के स्कूलों से चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव प्रसारण किया गया। पुलिस लाइन में भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव प्रसारण हुआ। निर्धारित समय पर बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों और पुलिसकर्मियों के साथ एसपी ट्रैफिक राम मोहन ने लाइव प्रसारण देखा। जैसे ही ठीक 6 बजे चंद्रयान की लैंडिंग हुई तो बच्चे तालियां बजाते हुए खुशी से झूम उठे। गर्व और गौरव के पल का लाइव देखते हुए सभी ने एक दूसरे को बधाइयां दी। भारत माता की जय के नारों से पूरा हॉल गूंज उठा। बता दें कि योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में चंद्रयान की लैंडिंग का लाइव प्रसारण करने के आदेश जारी किए थे। तय समय पर स्कूलों में इसरो की ओर से प्रसारण को लाइव दिखाया गया। भारत ने एक बार फिर विश्व में इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग से पूरे बरेली शहर में खुशी का माहौल देखा गया। निर्धारित समय शाम 6:04 पर जैसे ही चंद्रयान की लैंडिंग हुई, वैसे ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। शहर के कुछ इलाकों में आतिशबाजी करके अपनी खुशी का लोगों ने इजहार किया। शहर के मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों से चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए पूजा, हवन और दुआएं की जा रही थी। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर निकलकर चंद्रयान की सफल लैंडिंग की खुशियां मना रहे थे। लैंडिंग की तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया। फेसबुक, व्हाट्सएप पर सभी लोग एक दूसरे को बधाइयां देते हुए देखे गए। मंगलवार से शुरू हुई झमाझम बारिश से पूरी बरेली मंडल का मौसम सुहावना हो गया है। बरेली के अधिकतर सड़कों, गलियों और मोहल्लों से लेकर कॉलोनियों तक में जलभराव ने खासी दिक्कतें पैदा की। 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बरेली के सुभाष नगर, मणिनाथ, बिहारीपुर, संजय नगर, डीडीपुरम, राजेंद्र नगर समेत कई इलाकों में जलभराव की समस्या से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने अभी 3 दिन और पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी के दूसरे जिलों में भी बारिश के कारण मौसम बदला हुआ नजर आया। एक ओर लोगों ने सुहावने मौसम का आनंद लिया, वहीं दूसरी ओर बारिश के कारण सड़क पर हुई कीचड़ और जल भराव के कारण लोगों को दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ा। बरेली नगर निगम बोर्ड की बैठक में बुधवार को जोरदार हंगामा हो गया। सफाई कर्मचारी के बेटे को जलकल विभाग के कई ठेके आवंटित कर दिए गए थे। इसी बात को लेकर पार्षदों ने चहेतों को ठेके देने का आरोप लगाते हुए बैठक में हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बाद मेयर ने सफाई कर्मचारी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने और ठेके निरस्त करने के निर्देश दिए, तब कहीं जाकर मामला शांत हो सका। मेयर ने सफाई नायक राजू भारती को सुपरवाइजर पद से हटाकर मूल पद पर भी भेजने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर स्पोर्ट बैठक में कई बड़े प्रस्ताव भी पारित हुए। बरेली में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से एक मासूम की जान चली गई। डॉक्टर परिजनों को 6 घंटे तक गुमराह करता रहा। केस खराब होने पर महिला को दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां सीरियस कंडीशन में महिला की डिलीवरी हुई। 2 दिन तक इलाज के दौरान बच्चे को बचाया नहीं जा सका। फतेहगंज पश्चिमी निवासी सूरज ने सीएमओ बलबीर सिंह से झोलाछाप डॉक्टर की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि लंबे समय से झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है, मगर प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ खानापूर्ति कर देते हैं। बरेली में स्वास्थ्य विभाग की जर्जर इमारत में छज्जे की दीवार बारिश के दौरान गिर गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त सड़क पर कोई निकल नहीं रहा था, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। स्वास्थ्य विभाग के सरकारी क्वार्टर जर्जर हालत में है। कई कमरों की छतों से बारिश का पानी टपकता रहता है। कई बार कर्मचारियों ने अधिकारियों से क्वार्टर की मरम्मत कराने की मांग की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब छज्जे की दीवार गिरने से कर्मचारी दहशत में है। देखना ये होगा कि इस बार अधिकारी इस मामले का संज्ञान लेकर क्वार्टरों की मरम्मत कराते हैं या नहीं। बरेली में दबंगों ने हथियारों के बल पर जबरन खेत से मिट्टी की खुदाई करा ली। विरोध करने पर दबंगों ने युवक के सीने पर बंदूक तान दी। आईजी के निर्देश पर मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुराने शहर के रोली टोला निवासी अयाज रजा खान ने आईजी से करमपुर निवासी इकबाल और हरप्रीत पर जमीन कब्जा करने का आरोप भी लगाया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के मौके पर पुलिस लाइन के रविंद्रालय में क्विज कंपटीशन का आयोजन भी किया गया। यहां स्कूली बच्चों से चंद्रयान से जुड़े सवाल पूछे गए। छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ पूछे गए सवालों के जवाब दिए। क्विज में सर्वाधिक प्रश्नों का जवाब देने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर एसपी ट्रैफिक राम मोहन सिंह ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया।
चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए बुधवार को दिन भर हवन पूजन का दौर चलता रहा। बरेली के शिरडी शाही सबदेव मंदिर में चंद्रयान की सफलता के लिए हवन पूजन किया गया। शाम को निर्धारित समय पर चंद्रयान की लैंडिंग होने पर सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। इस मौके पर पंडित सुशील पाठक, राजीव साहनी, आयुष मिश्रा, अभिषेक, भगवान दास, दीनदयाल समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।